सत श्री अकाल जी, मैं डॉली कुकिंग विद डॉली पंजाबी विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत करदी हाँ। अज असीं बनावांगे ढाबा स्टाइल दम आलू। ये दम आलू तुसीं घर विच ही बना के तैयार करूँगे, वह भी बहुत ही आसान तरीके नाल। उस तो पहला जे तुसीं मेरे चैनल ते पहली वारी आए हो तो प्लीज़ सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। तो चलो जी रैसपी बनाना शुरू करदे ने। इत्थे मैं अद्धा किलो छोटे उबले हुए आलू लए ने। इन्हां नूं चंगी तरह आपां ठंडा कर लिया है ते छिलका इहदा तार लिया है। हुण आपां फोक लै के इहनूं प्रिक कर लवांगे चंगी तरह, ताकि जिहड़ी असीं ग्रेवी बनाऊंगे उहदा सारा जिहड़ा फ्लेवर है उह आलूआं विच चला जावे। आ देखो जी, सारे पासे तों असीं इसनूं प्रिक कर लैणा है। इसे तरह असीं सारे आलूआं नूं प्रिक करके रख लवांगे। आलो जी, सारे आलू असीं प्रिक कर लए ने। हुण आपां गैस ते रखांगे कड़ाही। इस च पावांगे असीं ऑयल। आलूआं नूं सब तों पहलां असीं फ्राई करांगे, तां ही इस च ढाबिआं वाला टेस्ट आऊगा। बहुत ही वधिया ते टेस्टी रैसपी है। जे घर च कुछ ना होए तां तुसीं बच्चिआं नूं आसानी नाल इह बना के दे सकदे हो। बहुत ही वधिया रैसपी बन के तैयार हुंदी है। चंगी तरहां असीं इस नूं लाल होण तक फ्राई कर लेणा है। आलो जी, आलू साडे फ्राई हो गए ने। हुण असीं इहनां नूं प्लेट विच कढ लवांगे ते उसी कड़ाही नूं साफ करके असीं इस च पावांगे 2 चमचे तेल दे। तेल गर्म हो गया है। इत्थे मैं 3 लाल मिर्चां लईआं है सुक्कीआं, 6 तों 7 काली मिर्चां लई, 1 इलायची बड़ी, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता ते 1 दालचीनी दे टुकड़े दा। चंगी तरह इहनूं फ्राई कर लवांगे, भुन लवांगे चंगी तरह। खड़े मसाले भुन गए ने। हुण आपां इस च पावांगे 1 चमचा जीरे दा, इहनूं भी चंगी तरह भुन लवांगे। हुण असीं इस च पावांगे 2 प्याज जिन्हों की असीं ब्रीक कट के पाया है। इन्हां नूं भी गोल्डन होण तक फ्राई कर लवांगे। प्याज अपने भुन गए ने। हुण आपां इस च पावांगे 1 वड्डा चमचा अदरक ते लसण दे पेस्ट दा, इहनूं भी चंगी तरह भुन लवांगे। लसण ते अदरक भी प्याजा नाल चंगी तरह भुन गया है। हुण आपां इस च पावांगे 1 छोटा चमचा कश्मीरी लाल मिर्च दा, 1/2 छोटा चमचा भुने हुए जीरे पाउडर दा, 1 चमचा धनिए पाउडर दा, 1/2 चमचा हल्दी पाउडर दा, ते नाले पावांगे 1/2 चमचा गरम मसाले दा। लाल मिर्चां दा पावांगे 1 चमचा। थोड़ा जिहा पानी पा के चंगी तरह असीं मसालिआं नूं भुन लवांगे। पानी आपां इस करके पाया है ताकि साडा जिहड़ा मसाला है वह थले ना लगे। आ देखो जी किन्ना वधिया कलर आया है। हुण आपां इस च पावांगे 2 तों 3 टमाटर दी प्यूरी। टमाटरां नूं चंगी तरह पीस के असीं इस च पा लिया है ते थोड़ा जिहा इस च पावांगे नमक टेस्ट दे अकॉर्डिंग। मिला देवांगे चंगी तरह ते इहनां नूं भी मसालिआं नाल भुन लवांगे। थोड़ी जी आपां इस च कसूरी मेथी पावांगे। कसूरी मेथी नाल बहुत वधिया टेस्ट आउंदा है। मिला देवांगे। ढक्कण ला के इहनूं चंगी तरह असीं भुन लवांगे, जदों तक कि तेल नहीं छड़ दिंदे इह मसाले। विच विच असीं हिलांदे रहांगे तां कि इह थले ना लगे। आ देखो जी, तेल सैपरेट हो गया है, मसाले साढ़े चंगी तरह भुन गए ने। हुण आपां इस च पावांगे 1/2 कप दही दा। दही नूं आपां फेंट के पाया है। थोड़ा जिहा पानी पा देवांगे उसी कौली च। चंगी तरह मिला के असीं इसनूं 1 बॉयल आउण तक असीं इसनूं हिलाउंदे रहना है, तां कि जिहड़ा दही आ उह फटे ना। हुण असीं इस च जिहड़े असीं फ्राई कीते होए सी आलू उह इस च ऐड कर देवांगे, मिला देवांगे। जे तुसीं इन्नी गाढ़ी रखना चाहते हो सब्जी तो तुसीं पानी ना पाओ। जे तुसीं थोड़ी जी तरी वाली बनाना चाहते हो तो तुसीं इस च पानी ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा जिहा इस च पानी पाया है क्योंकि हली इसनूं असीं होर रिझाना है, तो थोड़ा जिहा पानी की लोड़ है। ढक्कण ला के इसनूं चंगी तरह असीं 5 मिनट तक होर कुक करांगे, ताकि आलूआं
ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਮ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਰੈਸਪੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਦੇਖਣੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ 'ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਟ ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।